दिन पूर्व हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। चार मोटरसाइकिल एक स्कूटी लूटी गई, अल्टोस कार समेत तीन साथी अभियुक्त गिरफ्तार। जी हां, अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आज थाना केसरगंज की पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना केसरगंज क्षेत्र में दो दिन पूर्व हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार बाइक एक स्कूटी लूटी गई अल्टोस कार समेत तीन साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लूटे मोबाइल फोन पैन कार्ड पासबुक बरामद की गई। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया है कि पिछली 24 जनवरी को लूट की घटना को अंजाम देने के लिए नए सिम कार्ड का किया था इस्तेमाल। गिरफ्तारी से बचने के लिए लूटी हुई कार व फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल की जा रही थी। गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ सातिर किस्म के अपराधी हैं। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस व स्वाट टीम को 25,000 इनाम की घोषणा की गई है। दिनांक 24 अग्रिम 25 जनवरी की रात कैसरगंज थाना क्षेत्र में करीब 1:30-2 बजे सूचना मिली कि एक टाटा अल्ट्रोस गाड़ी है जिसको तीन बदमाशों ने चालक को मारपीट करके घायल करके उसका सर फोड़ करके उसको लूट लिया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस एक्शन में आई और वादी की तहरीर पे एक FIR दर्ज हुई जिसपे संगलांस की टीम और कैसरगंज की टीम पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे इसमें सील लगाई गई थी। आज इस घटना का अनावरण करने में बहराइच पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें लूटी गई टाटा अल्ट्रोस गाड़ी बरामद हुई है और तीनों अभियुक्त जिन्होंने घटना कारित किया था तीनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से शिवम सुजौली का रहने वाला है, विपिन मिश्र फकरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाला है और जीतू भास्कर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके पास से चार मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी बरामद हुई है जो कि जिसमें से दो गाड़ियां कनेक्ट हो चुकी हैं, चोरी की हैं, शेष अन्य गाड़ियों का पता लगाया जा रहा है। घटना में लूटा गया मोबाइल भी अभियुक्तों के कब्जे से बरामद हुआ है। अभियुक्त का बैग भी बरामद हुआ है जिसमें उसके कागजात इत्यादि थे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पूरी टीम की सफलता पर 25,000 रुपये का इनाम उनको दिया गया है और बहराइच पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिससे कि अब क्षेत्र में होने वाली वारदातों में कमी आएगी, इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी।